वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल इस पर आप सबों का स्वागत है आपका जो एग्जाम है एस बी आई पी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री क्लर्क 2023 लेकिन इसी बीच आई बी पी एस पी का भी मेन एग्जाम है तो मैंने टाइम एंड वर्क जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको आज सेलेक्ट किया और क्वेश्चंस का लेवल ऐसा है कि मैंने थंबनेल में लिख दिया 100% परसेंट गारंटेड आज जितने क्वेश्चंस होने हैं उन सबों को यदि आप समझ जाते हैं उसका कंसेप्ट सॉल्व करने का तरीका तो चाहे कैसे भी क्वेश्चंस आए टाइम इन वॉक से आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे यही सोच करके आज का यह लाइव क्लास लिया जा रहा है तो रेडी हैं आप लोग बताइए आज के क्लास के लिए तैयार बताइए रेडी हैं बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन होंगे टाइम एंड वर्क के डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल होगा तो बहुत मजा आने वाला है आराम से बैठिए क्वेश्चन भी ढेर सारे हैं और डेप्थ भी उनका अच्छा खासा है ठीक है रेडी तो चलिए आगे बढ़ते हैं कल मैं क्लास नहीं ले पाया था मिस हो गया लेकिन क्लास मैं रोज लूंगा ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि ऐप पर हैं और ऐप पर कोर्सेज को नए सिरे से मैं अरेंज कर रहा हूँ फिर मैं अनाउंस करूँगा ये टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ लगातार दिया जा रहा है वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए ये क्वेश्चंस भी बहुत शानदार रहेंगे देखिए देखिए हाँ वेलकम वेलकम हाँ धीरू यादव जी रेडी रहिए पढ़ने के लिए अब बीच में जाना नहीं है चाहे भूख लगे चाहे प्यास तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है देखिए एट मेन एंड फोर विमेन टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन सिक्स डेज वर्क डन बाय ए मैन इन वन डे इज डबल द वर्क डन बाय ए विमेन इन वन डे तो इफिशियंसी का जब रेशियो दे दे देना तब तो चिंता ही नहीं है तब तो चिंता ही नहीं है मेन एंड वेमेन इनके इफिशियंसी का रेशियो टू इज वन है तो हम टू यूनिट्स पर डे मानते हैं और वन यूनिट पर डे मानते हैं ये तो तय है फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन का तो डायरेक्शन ही क्लियर है डायरेक्शन ही क्लियर है जरा देखिए जरा देखिए एट मैन एंड फोर मैन टूगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन सिक्स डेज तो टोटल वर्क क्या हुआ बताइए मुझे टोटल वर्क क्या हुआ तो so, पूछ लीजिए ना एट मैन पर डे अगर टू यूनिट्स बनाए तो इतना बनाएगा फोर वीमेन पर डे इतना बनाए तो इतना बनाएगा तो पर डे ये ग्रुप इतना खिलौना रोज बनाएगा सिक्स डेज में खत्म कर डालता है इसका मतलब यही टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है यानी कि 120 यूनिट्स यही टोटल वॉक है यही टोटल वॉक है हाजी वेलकम वेलकम आज मेरा ध्यान पढ़ाने पर ज्यादा है फिर भी कमेंट्स में देखता रहूंगा देखिए देखिए हो गया अब यहां पर है एट मैन एंड फोर वेमेन स्टार्टेड वर्किंग एट मैन एंड फोर वेमेन स्टार्टेड वर्किंग एट मैन एंड फोर वेमेन स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर टू डेज देयर इज चेंज टू डेज कुछ चेंज आता है क्या फोर मेन लेफ्ट तो भाई फोर ही मेन बसते हैं फोर न्यू वेमेन ज्वाइंट एट वेमेन हो जाते हैं और ये काम खत्म होता है खत्म होता है, हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड ये सवाल है मुझे बताइए मुझे बताइए एट इंटू टू प्लस फोर इंटू वन इंटू टू यूनिट्स होंगे कि नहीं जल्दी बताइए फोर्टी यूनिट्स होंगे कि नहीं इसका मतलब यह हुआ कि ये वन ट्वेंटी माइनस फोर्टी यानी कि एट्टी यूनिट्स हुए एट्टी यूनिट्स हुए और 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 फोर मेन एंड एट वेमेन यानी कहने का मतलब यह है कि फोर इंटू फोर इंटू टू एट एट सिक्सटीन यूनिट्स पर डे के हिसाब से इस एट्टी यूनिट्स को करने में फाइव डेज लगेंगे यही पूछा था सभी लोग बताइए समझ में आया या नहीं या से क्लियर लोग बताइए क्वेश्चन समझ में आया ये क्वेश्चन समझ में आया वेरी गुड श्याम पटेल हां रीना जी वेरी गुड हाँ हाँ क्या है बिकिटी सन्नास चलिए 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 बढ़िया है जल्दी बताइए जल्दी बताइए ठीक है इसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर टू असल में क्वेश्चन को जल्दी से सुरक्षित तरीके से कैसे बनाया जाए ये सवाल हमेशा रहता है कि हाउ टू सॉल्व बना तो लेंगे किसी भी तरीके से वो तो सही है लेकिन सवाल है जल्दी से बिना ज्यादा दिक्कत के कैसे बनाए कैसे बनाए बोलिए किस मेथड से बनाए यूनिट वॉक मेथड यूनिट वॉक मेथड फर्स्ट मेथड लिखा हुआ है कि ए प्लस बी ये किसी वॉक को ट्वेल्व डेज में कर सकते हैं मैं और एक तरीके से बताऊंगा हाँ वो बहुत जबरदस्त शानदार तरीका है रेशियो मेथड वो उससे भी एक्सप्लेन करूंगा हाँ ठीक है ठीक है श्याम पटेल गीतम राजपूत गुड गुड बहुत अच्छा और ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ए अकेला इस वॉक को कर सकता है ट्वेंटी डेज में ठीक है तो यूनिट वॉक मेथड काफी अपना मायने है और एक अच्छा तरीका है एल्सियम ले लीजिए सिक्सटी यूनिट टोटल वॉक ऐसा करते हैं थोड़ा इधर लिखते हैं फाइव यूनिट्स पर डे एंड थ्री यूनिट्स पर डे और टोटल वर्क इज इक्वल टू सिक्सटी यूनिट्स ठीक है ना इसको दो तरीके से बनाएंगे तीन तरीके से बनाएंगे सर तो मेथड सीखना जरूरी है। कैसे सॉल्व करते हैं? अब आप बताइए ऐसा करने से बी क्या हुआ B का क्या हुआ तो बी आपको साफ दिखता है कि फाइव माइनस थ्री यानी कि टू यूनिट्स पर डे लेकिन इसमें एक चेंज है इफ बी डज़ द वर्क ओनली हाफ ए डे इन न्यू कंडीशन इन न्यू कंडीशन वो पूरा दिन काम नहीं करता तो बी का जो रेट है वह है वन यूनिट पर डे जल्दी बताइए और इस स्थिति में इसका जो रेट होगा ये पूरे काम को वन यूनिट पर डे ए एंड बी टुगेदर तो ए प्लस बी इस पूरे काम को करे ए प्लस बी इस पूरे काम को करे ऐसे तो आप जानते हैं ए का थ्री है और बी का वन है तो फोर यूनिट्स पर डे के रेट से सिक्सटी यूनिट्स को करने में फिफ्टीन डेज लगेंगे ये पहला तरीका जल्दी बताइए यह पहला फर्स्ट मेथड है सेकंड मेथड है फॉर्मूला मेथड जिसमें आप बोलते हैं कि ए प्लस बी कर सकता है ट्वेल्व डेज में ए एलोन कर सकता है ट्वेंटी डेज में और बी एलून कर सकता है ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी बाई एट एट कहाँ से आया ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व जानते हैं ना एक्स इंटू वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई वाई माइनस एक्स ये वाला इसका मतलब ये हुआ चलिए बोलिए यानी कि पी कर सकता है थर्टी डेज में बी थर्टी डेज में न्यू रेट न्यू रेट क्या है बी का हाफ करेगा हाफ करेगा तो पूरे काम को सिक्सटी डेज में करेगा जल्दी बोलिए और तब जब हम बात करेंगे ए प्लस बी न्यू कंडीशन तो ए कर सकता है ट्वेंटी डेज में बी कर सकता है सिक्सटी डेज में दोनों तो मिल करके काम करें ए प्लस बी इन न्यू कंडीशन इन न्यू कंडीशन एटी डेज जल्दी बताइए ये समझ में आया यानी कि फिफ्टीन डेज आंसर ये मेथड समझ में आया लेकिन मैं दरअसल जो बताना चाहता हूं वो कुछ और है मैं दरअसल जो बताना चाहता हूं वो कुछ और है नंबर ऑफ डेज एंड रेट टाइम अलग अलग होते हैं दो गुना आदमी आधा आधा समय दो गुना आदमी आधा समय आप इफिशियंसी का इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं तो सुनिए मैं जो कहना चाह रहा हूं थर्ड मेथड, नंबर के रूप में इफिशियंसी के रूप में टाइम के रूप में इस बात को जरूर सीखिए ए प्लस बी का दिया है और ए का दिया है इसको सीखिए आप क्या देखते हैं कि टाइम दिया है टेल्व डेज और ये ट्वेंटी डेज है ना है ना जल्दी बताइए तो हम इफिशियंसी लेते हैं इफिशियंसी इफिशियंसी लेंगे तो फाइव एज टू थ्री होगा ना तो बी टू होगा ना न्यू बी बेडैस बोल देते हैं न्यू बी वन होगा ना जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए और लिखा हुआ है कि 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 अकेला उस काम को बीस दिनों में कर सकता है तो टोटल वॉक ट्री इन ट्वेंटी यूनिट्स टोटल वॉक ठीक है ना जल्दी बताइए हमने कहा इसको ऐसे कि फाइव यूनिट्स पर डे थ्री यूनिट्स पर डे टू यूनिट्स पर डे वन यूनिट पर डे तो मुझे बताइए कि जो न्यू ए प्लस बी डैश है वो कितने दिनों में करेगा सिक्सटी यूनिट्स को थ्री प्लस वन और यूनिट्स पर डे के हिसाब से फिफ्टीन डेज जल्दी बताइए जिनको भी दिक्कत है पूछेंगे इसको सीखना जरूरी है ये हुआ कैसे जल्दी बताइए इसको सीखना जरूरी है ये मेथड समझ में आया इसका खूब इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस मेथड का खूब इस्तेमाल होगा ये इस समझ लीजिए इस मेथड का खूब इस्तेमाल होगा एक क्वेश्चन इसी टाइप का अरे आज तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आज तो सारे क्वेश्चन ही इसी टाइप के हैं मैंने एंजॉय कीजिए आज बहुत मजा आएगा आपको मेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर के आज का क्लास है मेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर के आज का क्लास है इसके बाद अगला सवाल टू मेन एंड थ्री बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन टेन डेज वाइल थ्री मेन एंड टू बॉयज कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन एट डेज टू स्ट्रेंथ कब इक्वल होते हैं वेन दे डू सेम वर्क इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम तो हम पूछते हैं कि भाई टू मेन है और बॉयज है ठीक है और एक दूसरा ग्रुप है जो कि थ्री मेन है और टू बॉयज है ये दो ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप कहता है टेन डेज में काम खत्म कर देंगे अरे एक दिन में काम खत्म कीजिए ना तो दस गुना हो जाते हैं दूसरा कहता है आठ दिनों में कर देंगे एक दिन में काम खत्म कीजिए ना कीजिए ना कीजिए ना नाव उप ग्रुप डू द सेम वर्क इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम यानी किसी काम को एक दिन में करने के लिए चाहे तो पहला ग्रुप लीजिए या दूसरा तो दे आर इक्वल और यहां से पता चलता है कि टेन मैन एंड ट्वेल्व मैन टू मैन फिफ्टीन बॉयज एंड एट बॉय यानी सेवन बॉयज यानी मैन एज टू बॉयज की अगर हम बात करें तो सेवन इंस टू टू है जल्दी बताइए सेवन इंस टू टू है मैन एंड बॉयज की बात करें तो सेवन इंस टू टू है जल्दी बताइए ठीक है ना हाँ गुड श्याम पटेल जी इस बीच आप बहुत आगे बढ़े हैं बढ़िया सॉल्व कर रहे हैं बहुत बढ़िया अब आगे सवाल है हम टोटल वर्क को डिफाइन कर लेते हैं टोटल वर्क को डिफाइन कर लेते हैं टोटल वर्क किसी भी एक से पूछते टोटल वर्क इज इक्वल टू पूछते हैं टू मेन एंड थ्री बॉयज पर डे इतना काम करेंगे टेन डेज में काम खत्म टू हंड्रेड यूनिट्स होगा ना क्वेश्चन पूछता है देन टू मेन एंड वन बॉय, टू मेन प्लस वन बॉय इस काम को कितने दिन में करेंगे यानी कि सिक्सटीन यूनिट्स पर डे तो टू हंड्रेड यूनिट्स इन हाउ मेनी डेज ट्वेल्व पॉइंट फाइव डेज ये कहाँ से आया ये आया टू इंटू सेवन प्लस वन इंटू टू ऐसे हो ना जल्दी बताइए ट्वेल्व एन हाफ डेज ट्वेल्व एन हाफ डेज जल्दी बताइए इसको सेव कर देते हैं समझ में आया बोलिए आज तो सारे क्वेश्चन शानदार हैं मैंने आज लिया ही है मेन एग्जाम को ध्यान में रख करके आई बी पी का मेन ताकि एस बी में भी एस बी क्लर्क में भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके इसी को ध्यान में रख करके है आज का ये क्लास ठीक है समझ में आ रहा है यस yes, यस yes. अगला सवाल जल्दी बताइए ये क्वेश्चन उसी तरह का है क्वेश्चन नंबर फोर और हो गया ना उसी तरह का है उसी तरह का है। फोर मेन प्लस थ्री विमेन किसी वर्क को सिक्स डेज में कर सकते हैं और फाइव मेन प्लस सेवन विमेन उसी वर्क को फोर डेज में कर सकते हैं तो ये दोनों वन डे में करने के लिए इतने इतने हैं टेल्व एंड टेन टू मेन नाइन एंड फोर्टीन फाइव वेमेन यानी मैन एस टू वेमेन फाइव इज टू फोर्थ नंबर मैन वेमेन का रेशियो फाइव इज टू टू सारे क्वेश्चन में समझा दूंगा जी कहां हैं आज का क्लास करने के बाद आपको लगेगा कि टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है वेरी गुड गीतम राजपूत वेरी गुड और हाँ हाँ बहुत बढ़िया आइए देखिए ये इफिशियंसी का रेशियो निकला टोटल वर्क को हम तुरंत डिफाइन करते हैं कि टोटल वर्क क्या है टोटल वॉक को डिफाइन करते हैं किसी से भी पूछ लेते हैं फोर मेन फोर इंटू फाइव यूनिट्स करेगा और थ्रीन थ्री इंटू टू यूनिट्स करेंगे कहने का मतलब बीस छे छब्बीस खिलौना रोज बनेगा छह दिन में खत्म पहला वाला तो यही कहता है फर्स्ट वाला तो यही कहता है टोटल यूनिट हम मल्टीप्लाई नहीं करते 26 सिक्स इंटू सिक्स यूनिट ऐसे ही रखते हैं जानबूझ करके यही टोटल वर्क है मैन मैन इस काम को कितने दिनों में करेंगे हम ऐसे ही रखते हैं ऐसे ही रखते हैं और ये क्या है फाइव प्लस टू सेवन यूनिट्स पर डे मैं एक बात आपको बताता हूं देखिए इधर इस क्वेश्चन को बनाने का मैजिक इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का मैजिक इसका मैजिक है छब्बीस ते अठहत्तर गुना दो ऐसा करने से सात से ग्यारह दुना बाईस दो बटा सात आंसर ऐसे सिंप्लीफिकेशन किया आप में से किसी ने तो बताइए ऐसे कितने लोगों ने सॉल्व किया बताइए मुझे मैंने क्या किया पता है मैंने क्या किया पता है तो मजा ही आ गया ना फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका ही अलग होता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका ही अलग होता है क्या आपने ऐसे सॉल्व किया कैलकुलेशन समझ में आया जल्दी से बताइए वाह बहुत अच्छा रीना जी ने किया गुड श्याम जी ने किया विकास जी ने किया गुड 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है बढ़िया अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फाइव जबरदस्त क्वेश्चन है जी बट हाउ टू सॉल्व ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन थर्टी थ्री डेज एंड एंड सी इज थ्री टाइम्स मोर इफिशियंट देन ए सुनिए 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 रेशियो ऑफ इफिशियंस ऑफ बी टू सी इधर 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 आइए ए बी सी इसमें लिखा हुआ है इज थ्री टाइम्स मोर इफिशियंट दैन ए ये चार गुना है तो जब यहां लिखा है ये थ्री टू है तो दरअसल हम वन फोर सिक्स ऐसे लिखते हैं जल्दी बताइए जल्दी बताइए ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं। रेशियो ऑफ इफिशियंसी क्वेश्चन का नक्शा ही बदल जाता है टोटल वॉक टोटल वॉक वॉक को कौन करता है ई थर्टी थ्री डेज में करता है ई तो वन इंटू थर्टी थ्री यूनिट्स तो पूछा क्या है पूछा क्या है इफ ऑल द थ्री वॉक टुगेदर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ है वन यूनिट पर डे सिक्स यूनिट्स पर डे फोर यूनिट्स पर डे तीनों मिलकर के काम करें तो थर्टी थ्री यूनिट्स को इलेवन यूनिट्स पर डे के रेट से थ्री डेज में खत्म कर दिया जाएगा वन प्लस सिक्स प्लस फोर बताइए कोई है जिनको समझ में नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कितना सुंदर कितना शानदार क्वेश्चन है बताइए बहुत अच्छा बहुत अच्छा गुड जिनको भी दिक्कत है पूछिए ठीक है क्लियर अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल

दिखाता हूं देखिए, p प्लस क्यू क्यू प्लस आर पी प्लस क्यू प्लस आर ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी काम को करने में इन्हें कितना समय लग रहा है टाइम दे रहा है और टाइम क्या है टाइम क्या है टाइम है कि इन्हें एट डेज लगते हैं, इन्हें ट्वेल्व डेज लगते हैं और इन्हें सिक्स डेज लगते हैं हम लोग इसका हम लोग इसको पहले सिंपल बनाते हैं पहले इसको सिंपल बनाते हैं सिंपल बनाते हैं और तब बात करते हैं इफिशियंसी इफिशियंसी तो इफिशियंसी क्या होगा वन बाई फोर वन बाई सिक्स वन बाई थ्री हम लोग ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू ट्व इंटू ट्वेल्व इंटू ट तो इफिशियंसी का रिस्यू आ जाता है जरा देखिए इफिशियंसी का रेशियो आ जाता है इफिशियंसी का रेशियो क्या आया पी इज टू टू इज टू फोर मुझे बताइए पी क्यू अगर है तो आर कितना वन क्यू आर अगर है तो पी कितना टू जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए हाँ जी प्रियंका जी वेरी गुड है कि नहीं बताइए है कि नहीं ये पहले बताइए पी PQ क्यू और पी क्यू आर तो फोर माइनस थ्री ये हमने कैसे लिखा फोर माइनस थ्री क्यू आर एंड पी क्यू आर तो ये फोर माइनस टू जल्दी बताइए होगा ना इफिशियंसी का रेशियो आपको मालूम है टोटल वॉक पी क्यू आर टोटल वॉक देखिए इधर अगर हम बात करें कि टोटल वॉक कितना है तो ये पी क्यू आर फोर यूनिट्स देखिए अगर हम मानते हैं कि थ्री यूनिट्स पर डे है थ्री यूनिट्स पर डे टू यूनिट्स पर डे फोर यूनिट्स पर डे वन यूनिट पर डे टू यूनिट पर डे समझाना है इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूं बता रहा हूं टोटल वर्क क्या होगा टोटल वर्क पी क्यू आर सिक्स डेज में खत्म करते हैं यानी कि यानी कि फोर इंटू सिक्स मींस ट्वेंटी फोर यूनिट ये टोटल वर्क है जल्दी बताइए ये टोटल वॉक है ठीक है ये टोटल वॉक है बोलिए समझ में आ रहा है टोटल वॉक पूछा है पी एन आर टूगेदर तो ये पी प्लस आर पी प्लस आर पूरे वर्क को कितने दिनों में करेंगे ट्वेंटी फोर यूनिट्स को पी प्लस आर टी यूनिट्स पर डे के हिसाब से एट डेज होगा कि नहीं कितना शानदार क्वेश्चन है बताइए कैसे आया वन प्लस टू या टू प्लस वन बताइए इस क्वेश्चन में कितना मजा आया ये बताइए हाँ जी हाँ जी सी वेरी गुड आ, माधव जी बहुत बढ़िया प्रियंका जी है ना सी बहुत सारे लोगों ने किया है रघुवीर श्याम गीतम बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोलिए 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 समझ में आया कि नहीं भी तो बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन होने हैं बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेवन एज फिफ्टी परसेंट मोर इफिशियंट देन बी जब ऐसा दे देता है ना जी तो आगे पढ़ने का मन नहीं करता है मन नहीं करता है ये है प्लस फिफ्टी परसेंट यानी अगर हम इसे टू कहें तो ये थ्री सीधा इसे हमने कहा हंड्रेड परसेंट तो ये वन फिफ्टी परसेंट पर हम क्यों कहेंगे हंड्रेड परसेंट हम टू बोलेंगे ना वन मोर थ्री जल्दी बताइए जल्दी बताइए मन भी करता है कि टू यूनिट्स पर डे और थ्री यूनिट्स पर डे हम रेट भी डिफाइन कर लेते हैं रेट भी डिफाइन कर लेते हैं लिखा हुआ है दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड सेवन बाई ट्वेल्थ ऑफ द वर्क इज लेफ्ट आफ्टर एट डेज इसका माने क्या है आठ दिनों के बाद सेवन बाई ट्वेल्व बचा है फाइव बाई ट्वेल्व हो गया ना फाइव बाई ट्वेल्व किसको बोलते हैं? टोटल वर्क। टोटल वर्क को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि फाइव बाई एट तो हो गया तो आठ दिनों में फाइव बाई एट वर्क हुआ तो एट डेज में टू प्लस थ्री इतने यूनिट्स वॉक हुए इतने यूनिट्स वॉक हुए जल्दी बोलिए एक दिन में दोनों मिलके फाइव यूनिट्स पर डे तो आठ दिन में इतना पर ये जो काम है पूरे काम का फाइव बाई एट है तो टोटल वर्क कितना है ट्वेल्व बाई फाइव जल्दी बताइए कि नहीं यस यस गुड यानी हमने कहा हमने कहा कि 48 यूनिट्स हमने कहा 48 यूनिट्स यही टोटल वर्क है यही टोटल वर्क है इसका मैप भी दिखा देता हूं ठीक है इसका जो मैप है वो कुछ ऐसा है एट डेज हो गए सेवन बाई ट्वेल्व वर्क बाकी है तो ये वन माइनस सेवन बाई ट्वेल्व यानी कि फाइव बाई ट्वेल्व वर्क हुआ और ए प्लस बी ने किया ये मैप है ये मैप है ये मैप है, है ठीक है पूछा क्या है फाइन इन वट टाइम बी ए लोन विल कंप्लीट द होल वर्क अगर बी का सवाल है अगर बी का सवाल है तो बी इस पूरे काम को 48 यूनिट्स को 3 यूनिट्स पर डे के हिसाब से 16 डेज में करेगा बताइए होगा ना बताइए बताइए सेवन नंबर पूरे काम को कितने दिन में करेगा ए ए वाला उल्टा हो गया ए फिफ्टी परसेंट मोर इफिशियंट था ना हां पर ए फिफ्टी परसेंट मोर इफिशियंट ऐसा करते हैं ऐसे करते हैं। यहां पर ये यह सब गड़बड़ हो गया रुकिए 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 वो सब ठीक है और सब ठीक है आई आई ये नाइन्टी सिक्स यूनिट्स होगा ना और ए के बारे में पूछा है तो ए नाइन्टी सिक्स यूनिट्स बाई टू यूनिट्स पर डे ऐसे ऐसे। ठीक है हाँ वो उल्टा हो गया था हाँ 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 ठीक है सर क्लियर हाँ ठीक है ए फिफ्टी परसेंट मोर इफिशियंट था ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट राहुल एंड रजत टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम ऑफ पाली मैंने जिस मेथड की बात की थी ये क्वेश्चन उसी मेथड से बनेगा अब प्रॉब्लम क्या है राहुल रजत पाली इतना कौन लिखे इतना कौन लिखे तो हम ऐसा करते हैं हम ऐसा करते हैं ए बोल देते हैं मतलब राहुल बी बोल देते हैं रजत और सी बोल देते हैं पाली थोड़ा ठीक है ये अच्छा रहेगा तो एक्सप्रेस करने में सुविधा होगी ठीक है अब जरा गौर कीजिए क्या दिया है राहुल रजत ए प्लस बी ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम देन पाली यानी सी सुनिए टाइम का रिश्यू क्या है हाफ टाइम लगता है डबल इफिशियंट है इफिशियंसी जल्दी बताइए इफिशियंसी इफिशियंसी डबल इफिशियंट है लिखे ऐसे तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हुआ थ्री थ्री यस 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 इसके बाद अगला लाइन है वाइल रजतन पाली बी एन सी बी एन सी बी एन सी कैन कंप्लीट द सेम वॉक इन वन थर्ड ऑफ द टाइम देन राहुल राहुल मतलब ए वन थर्ड टाइम लगता है ट्रिपल इफिशियंट है ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया फोर देखिए फोर जल्दी बताइए अब इसको एक स्केल पर ले आइए और एक स्केल पर लाना आपको आता है इंटू फोर और इंटू थ्री नाउ दे आर ऑल ऑन द सेम स्केल ए प्लस बी एट सी फोर ए प्लस बी प्लस सी ट्वेल्व बी प्लस सी नाइन और ये थ्री जल्दी बताइए हम सी का जानते हैं हम ए का जानते हैं तो हम बी का भी लिख ही देते हैं बी का क्या होगा तो ए प्लस बी एट है ए थ्री है तो बी का फाइव होगा ठीक है ये हुआ एट माइनस थ्री तीनों का जान चुके ए का बी का सी का पूछा है इफ दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन थर्टी डेज ऑल टुगेदर टोटल वर्क क्या हुआ ट्वेल्व इंटू थर्टी यूनिट्स ये टोटल वॉक हुआ ट्वेल्व 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 थर्टी यूनिट्स जबकि हम मानते हैं कि ये सब सबका जो रेट है ना ये सबका रेट हमने लिख दिया ये एट यूनिट्स पर डे फोर यूनिट्स पर डे ट्व यूनिट्स पर डे नाइन यूनिट्स पर डे यूनिट्स पर डे फाइव यूनिट्स पर डे बिना लिखे में पता है पता है. माने ए तो ए इस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा ए इस पूरे काम को ट्वेल्व इंटू थर्टी यूनिट्स को यूनिट्स को कितने दिन में करेगा तो एक का क्या है थ्री यूनिट्स पर डे यानी कि वन ट्वेंटी डेज बताइए कितने लोगों को बढ़िया से समझ में आया कितने लोगों को बढ़िया से समझ में आया सभी लोग बताइए ठीक है यहां तो रेशियो का कोई जवाब नहीं है। यहां पर तो रेशियो का कोई जवाब नहीं है आई ठीक है यस यस एशियो का इस्तेमाल इफिशियंसी के रूप में जानबूझ के करते हैं एक जबरदस्त क्वेश्चन है सामने आपके क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन ए टेन हेक्टेयर फील्ड इज रेप्ड बाई टू मेन थ्री वेमेन एंड फोर चिल्ड्रन टूगेदर इन टेन डेज ए वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ ए मैन वेमेन एंड चिल्ड्रेन आर इन द रेशियो फाइव इंस टू फोर इंस टू टू जब बोल दे ना जब ये बोल दे कि मैन विमेन एंड चिल्ड्रेन इनका जो वर्किंग कैपेबिलिटी है फाइव इंस टू फोर इंस टू टू है एफिशिएंसी तो हम तुरंत मान लेते हैं कि फाइव यूनिट्स पर डे फोर यूनिट्स पर डे एंड टू यूनिट्स पर डे इसमें कोई शक ही नहीं है तो आप जरा गौर कीजिए कि टू मेन प्लस थ्री वेमेन प्लस फोर चिल्ड्रन वाइज बोल देते हैं समझने के लिए ये टेन हेक्टेयर लैंड को डेज में करते हैं इनका रेट क्या है इनका रेट क्या है इनका रेट है टू इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू फोर प्लस फोर इंटू टू कहने का मतलब थर्टी यूनिट्स पर डे के हिसाब से तो हमारा एक जो दूसरा ग्रुप है पूछा है कि सेक्स मेन फो वेमेन एंड सेवन चिल्ड्रन सिक्सटीन हेक्टेयर लैंड को कितने दिन में करेंगे ये सवाल है इसका जो इफिशियंसी है वो आता है सिक्स इन फाइव प्लस फोर इंटू फोर प्लस सेवन इंटू टू कहने का मतलब सिक्सटी यूनिट्स पर डे के हिसाब से तो मुझे बताइए कि क्या इसका आंसर टेन डेज इंटू इंटू रेट ज्यादा है कम समय लगेगा काम ज्यादा है ज्यादा समय लगेगा जल्दी बताइए होगा कि नहीं फ्रैक्शनल मेथड बोले फ्रैक्शनल मेथड फ्रैक्शनल मेथड जरा बताइए तीस दुना साठ यानी कहने का मतलब ये है ये हुआ एट डेज जल्दी बताइए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जबरदस्त क्वेश्चन है जी जबरदस्त क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है बताइए सभी लोग बताइए ठीक है क्लियर क्लियर है जिनको भी दिक्कत हो पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ टू सॉल्व यूनिट वॉक मेथड से इसको सॉल्व किया जाना चाहिए ए बी सी टेन डेज में वॉक कर सकता है बी ट्वेल्व डेज में कर सकता है और सी फिफ्टीन डेज में कर सकता है सिक्सटी यूनिट्स मान लीजिए तो जो रेट निकलेगा वो होगा सिक्स यूनिट्स पर डे फाइव यूनिट्स पर डे फोर यूनिट्स पर डे टोटल वर्क को हमने माना इज इक्वल टू सिक्सटी यूनिट्स ये कहां से माना तो एल सी एम ऑफ टेन ट्वेल्व फिफ्टीन यहां से अब थोड़ा देखिए ये काम किस तरह से होता है काम किस तरह से हो देखिए दे ऑल स्टार्टेड वॉकिंग together बट ए लीव द वॉक आफ्टर टू डेज टू डेज के बाद टू डेज के बाद ए छोड़ देता है तो बी प्लस सी कंटिन्यू करेगा और यहां पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों हैं टू डेज प्लस बी प्लस सी सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर इंटू टू जल्दी बताइए यानी कि थर्टी यूनिट्स काम हो चुके हो चुके टोटल सिक्सटी यूनिट्स हैं अच्छा ए ने काम छोड़ दिया बी सी चल रहा है बट ए लीव द वर्क आफ्टर टू डेज एंड बी लीव द वर्क थ्री डेज बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड काम के खत्म होने से तीन दिन पहले तीन दिन पहले बी छोड़ देता है तो सी वर्क किया ना सी ने कितना किया तो थ्री इन सी सी फोर यानी कि ट्वेल्व यूनिट्स इसका मतलब ये हुआ कि ये ये वाला थर्टी माइनस ट्वेल्व मीनस एटीन यूनिट्स बचता है और इस एटीन यूनिट्स को बी प्लस सी बी प्लस सी फाइव प्लस फोर यूनिट्स पर डे के हिसाब से टू डेज में करते हैं और हाउ मेनी डेज वर्क लास्टेड टोटल टाइम क्या आया टोटल टाइम सबसे पहले टू डेज लास्ट में थ्री डेज और बीच में टू डेज यानी कि सेवन डेज होगा ना बताइए सेवन डेज यस यस गुड टेंथ क्वेश्चन नंबर टेन जल्दी बताइए समझ में आ रहा है देखिए देखिए ठीक है ये था क्वेश्चन नंबर टेन ठीक है अब बात करते हैं कुछ जबरदस्त क्वेश्चंस की कुछ बहुत जबरदस्त क्वेश्चन की

डू ए वॉक आउट टाइम मतलब मान लीजिए डी डेज में ट्वेल्व मोर डेज फोर्टी मिन ट्वेल्व मोर डेज कभी 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 रूल्स हमारे लिए होते हैं हम लोग रूल्स के लिए नहीं होते टू डी थ्री डी डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर डेज यानी सिक्सटी मेन ट्वेंटी फोर डेज में किसी वॉक को कर सकते फाइन इन हाउ मैनी डेज मतलब हमने देखा हमने देखा कि सिक्सटी मेन किसी वॉक को ट्वेंटी फोर डेज में कर सकते हैं किसी वॉक को पूछा है कि एटीन मेन कंप्लीट प्रिफ वॉक इन हाउ many डेज प्री फिफ्थ ऑफ द वॉक इन हाउ many डेज आप जानते हैं फ्रैक्शन मेथड से बना सकते हैं आंख मूंद के बना सकते हैं फॉर्मूला मेथड से बना सकते हैं अगर आप 24 डेज लिखते हैं लेस मैन मोर डेज लेस वर्क लेस डेज फ्रैक्शल मेथड फ्रैक्शल मेथड और आप आंख मून के ही बना सकते हैं थ्री बाई फाइव थ्री बाई फाइव और काट दीजिए जो आया टी से तीन गुना छोले ऐसे बोले ऐसे, टी और सिक्स यहां से ले लिया और जल्दी बोलिए यानी कि फोर्टी एट होगा बताइए माने ये कितना सुंदर क्वेश्चन है बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है बताइए फॉर्मूले के बिना बनाएंगे फॉर्मूला के बिना फॉर्मूले के बिना बनाएंगे बोली फॉर्मूले के बिना सेकंड मेथड। देखिए मेन 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 का जो रेशियो है नंबर का जो रेशियो है वो सिक्सटी इज टू फोर्टी है यानी कहने का मतलब थ्री इज टू टू है बोले इनिशियली फाइनली टाइम क्या होगा टू इज टू थ्री डिफरेंस इज वन वन माने ट्वेल्व डेज थ्री माने टू माने थर्टी सिक्स डेज ट्वेंटी फोर डेज यानी आप दोनों तरह से बात कर सकते हैं आप इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं कि सिक्सटी मेन किसी वॉक को ट्वेंटी फोर डेज में करते हैं दिस और फोर्टी मेन किसी वॉक को थर्टी सिक्स डेज में करते हैं एक ही बात है तो बताइए एटीन में थ्री फिफ्थ वॉक को कितने दिन में करेंगे लिखिए थर्टी सिक्स कोई भी लिखिए लिखिए थर्टी सिक्स डेज लेस मैन मोर डेज लेस वॉक लेस डेज और गया कि नहीं बताइए किसी भी तरह से कौन सा मेथड अच्छा लगा कौन सा मेथड अच्छा लगा फर्स्ट या सेकंड जल्दी बताइए फर्स्ट मेथड या सेकेंड मेथड कौन सा मेथड अच्छा लगा आईबीपीएस पीओ पर कंसंट्रेट कीजिए दूसरा एग्जाम यूं ही दे दीजिए ऐप का नाम है अमर सर मैथ दिखता है ठीक है लिखा हुआ होगा अमर सर मैथ दिखता है समझ में आया बोलिए, समझ में आया अगला सवाल क्या गजब का क्वेश्चन है जी क्वेश्चन तो देखिए फॉर्मूले से भी बना सकते हैं बिना फॉर्मूले के भी बना सकते हैं बोलिए कैसे बनाना है फॉर्मूले से भी बना सकते हैं बिना फॉर्मूले के भी बना सकते हैं बोलिए कैसे बनाना है चलिए पहले फॉर्मूले से बनाते हैं फर्स्ट मैथर्ड सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन डू ए वर्क इन एक्स इन सम डेज। मान लीजिए कि एम डी डेज में खत्म करते हैं एम मेन डी डेज में करते हैं एंड एट मोर मेन वेयर वुड ज्वाइन यानी एम प्लस एट होता इन द वर्क वुड बी वुड बी फिनिशली फोर्टी परसेंट लेस टाइम सिक्सटी परसेंट टाइम सिक्सटी परसेंट टाइम में खत्म होता पहला ये तरीका पहला ये तरीका और इसको सॉल्व कीजिए जरा देखिए इसको सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व कीजिए तो आपको क्या निकलेगा फाइव मेन थ्री मेन टू मेन इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर दैट मीन्स एम इज इक्वल टू ट्वेल्व जल्दी बताइए एम इज इक्वल टू ट्वेल्व or second second 33 and 1 by 3 percent less men can do yani ki, yani ki also yani two third men can do the same work in 30 more days इन थर्टी मोर डेज थर्टी मोर डेज जल्दी बताइए जल्दी बताइए यानी कहने का मतलब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें थ्री डी टू डी डी इज इक्वल टू सिक्सटी तो सिक्सटी डेज हमने क्या निकाला हमने निकाला कि ट्वेल्व मेन कैन डू ए वॉक इन सिक्सटी डेज ये हमने निकाला ये हमने निकाला इन हाउ मेनी डेज कैन ट्वेल्व मेन फिनिश हाफ ऑफ द सेम वॉक तो वही ट्वेल्व मैन हाफ वॉक को कितने दिन में करेगा थर्टी डेज होगा कि नहीं इतना शानदार क्वेश्चन है ये बताइए इतना शानदार क्वेश्चन है ये बताइए समझ में आ रहा है सही बताइए ये तो पहला तरीका हुआ दूसरा तरीका सेकंड मेथड बड़ा जबरदस्त है सेकंड मेथड जो मैंने नंबर के बारे में बात की सुनिए सेकंड मेथड एट मेन मोर वॉक बोर्ड में फिनिश फोर्टी डेज लेस टाइम तो टाइम जो है उसका रेशियो क्या है फोर्टी डे फोर्टी परसेंट लेस फोर्टी परसेंट लेस सिक्सटी परसेंट फाइव इंस टू थ्री तो नंबर क्या हुआ नंबर क्या हुआ थ्री इंस टू फाइव डिफरेंस इज टू Difference is two. Two is equivalent to eight eight mean. So three means what? Twelve mean. Tell the Initially, initially and finally.

एंड फाइनली ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है थर्टी थ्री एंड वन बाई थ्री परसेंट लेस वन थर्ड लेस टू थर्ड है वन थर्ड लेस टू थर्ड है थ्री है तो टू हो जाए क्या मेन नंबर नंबर मतलब मेन मेन के नंबर के बारे में है तो टाइम क्या होगा टू इज टू थ्री डिफरेंस इज वन एंड वन का मतलब वन का मतलब थर्टी मोर डेज थर्टी डेज तो टू का मतलब सिक्सटी डेज जल्दी बताइए जल्दी बताइए यहां से ये पता चलता है यहां से ये पता चलता है जो हमने लिखा कि ई ट्वेल्व मेन किसी वॉक को वॉक को सिक्सटी डेज में कर सकते हैं तो हमारा क्वेश्चन था कि ट्वेल्व मेन हाफ वर्क को कितने दिन में करेंगे थर्टी डेज बोले कौन सा मेथड पसंद आया फर्स्ट या सेकंड? कौन सा मेथड पसंद आया फर्स्ट या सेकंड? जल्दी बताइए फर्स्ट या सेकंड कौन सा मेथड पसंद आया फर्स्ट या सेकंड दोनों पसंद ना आया ना सुबह में मैंने एक क्वेश्चन दिया था में आप लोग देखे थे सॉल्व किए मिक्सचर का था शानदार क्वेश्चन था कुछ उससे मिलता जुलता है हाँ जी यस 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 लेकिन अभी तो क्वेश्चन आना बाकी है बाकी है बाकी है अभी तो क्वेश्चन आना बाकी है क्वेश्चन है देखिए वॉक्स ऑन फर्स्ट डे बी वॉक्स वे द होल वॉक इज कंप्लीटेड इन फिफ्टीन डेज मतलब तीन दिनों में ये एक एक दिन काम करते हैं तीन दिन में काम करने के लिए ए बी सी एक्टो एक, A, एक, B, एक अगर तीन दिन में एक दिन ए करें एक दिन बी करें एक दिन सी करें तो पंद्रह दिन लगते हैं यानी पंद्रह दिन में ए पांच ए चाहिए पांच टो बी चाहिए पांच टो सी चाहिए जल्दी बताइए यानी कि फाइव ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को एक दिन में करने के लिए चाहिए किसी वॉक को किसी वॉक को एक दिन में करने के लिए फाइव ए फाइव बी फाइव सी चाहिए जल्दी बताइए अब व्यूज नहीं मिल रहा है तो भी मैं पढ़ा रहा हूं तो सोचिए क्यों पढ़ा रहा हूं मैं सोचिए यहां जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना मेरे बहुत करीब हैं तो किसी वॉक को एक दिन में करने के लिए चाहिए द सेम वर्क इज कंप्लीटेड वेन ए वर्स फॉर एट डेज एंड बी वर्स फॉर एलेवेन डेज यानी कि एट एर एलेवेन बीज इतने लोग चाहिए इतने लोग चाहिए और फिर उसी काम को करने के लिए उसी काम को करने के लिए एट एंड थ्री बाई फोर यानी थर्टी फाइव बाई फोर फाइव सी चाहिए जल्दी बताइए ये क्वेश्चन इस रूप में है किसी काम को एक दिन में करने के लिए या तो ये स्ट्रेंथ चाहिए या ये स्ट्रेंथ या ये स्ट्रेंथ ठीक है ना अब देखिए अगर फर्स्ट एंड थर्ड से लीजिए अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड से लीजिए देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड से लीजिए फर्स्ट एंड थर्ड से लीजिए तो फाइव सी कैंसल्ड देखिए फाइव ए फाइव इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू थर्टी फाइव बाई फोर ए होगा कि नहीं इसका मतलब ये हुआ एज इक्वल टू फोर बी यानी एस टू बी फोर इज थ्री अब मान लेते हैं फोर यूनिट्स पर डे और ये थ्री यूनिट्स पर डे देखते चलिए टोटल वर्क इज इक्वल टू एट इन ए फोर प्लस एलेवन इंटू थ्री यानी कि सिक्सटी फाइव यूनिट्स ये टोटल वर्क हुआ जल्दी बताइए टोटल वर्क यहां से टोटल वॉक ठीक है और फिर अगर आप बात करते हैं सी का भी जैसे सी निकालना है ये वाला ये वाला ये वाला तो थर्टी फाइव बाई फोर इंटू ए का फोर है प्लस फाइव सी इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू सिक्स यूनिट्स पर डे मेंस का आया हुआ क्वेश्चन ऐसा ही होता है समझ में आ रहा है बताइए हमें तीनों का रेट मालूम हो गया ए का फोर यूनिट्स पर डे बी का थ्री यूनिट्स पर डे और सी का सिक्स यूनिट्स पर डे तीनों का रेट मालूम हो गया अब पूछा ए एंड सी टुगेदर देखिए तो हम बात करते हैं कि ए प्लस सी अगर करें तो कितना लगेगा ए एंड सी बात करें तो फोर प्लस फोर प्लस सिक्स यूनिट्स पर डे एंड सिक्सटी फाइव यूनिट्स हाउ मेनी डेज यानी कि सिक्स पॉइंट फाइव डेज ये मेन्स का जबरदस्त क्वेश्चन है यह मेन्स का जबरदस्त क्वेश्चन है ठीक है क्लियर <laughs> समझ में आया बोलिए और अब आज का लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करें मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करें आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए और ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्वेल्व किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट

ऐसे ट्वेल्व किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है हंड्रेड नंबर ऑफ मेन है हमारे पास द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन 15 डेज और इसको फिफ्टीन डेज में कंप्लीट भी किया जाना है यह भी बात है फिफ्टीन डेज में कंप्लीट भी किया जाना है यह भी बात है यह भी है ठीक है अब देखिए, हंड्रेड वर्कर्स स्टार्टेड स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर नाइन डेज हंड्रेड वर्कर देखिए नाइन डेज गुजर गए हंड्रेड वर्कर्स नाइन डेज गुजर गए और ओनली फाइव किलोमीटर का काम हो पाया कहां तक यहां तक में यहां तक में यहां तक में पूछा है हाउ मेनी मोर एक्स्ट्रा वर्कर हम बोलते हैं हाउ मेनी वर्कर्स बोलते हैं वर्कर्स नेक्स्ट रिमेनिंग सिक्स डेज में और सेवन किलोमीटर बनाएंगे फ्रैक्शनल मेथड का क्वेश्चन है कि नहीं बताइए कैसे बनाएंगे फ्रैक्शनल मेथड सुनिए हंड्रेड वर्कर इन टू हंड्रेड वर्कर नाइन डेज में जितना भी काम करते हैं नाइन डेज में करने के लिए हंड्रेड वर्कर की जरूरत होती है जितने काम को कम दिन में करने के लिए ज्यादा वर्कर की जरूरत होगी तो नाइन बाय सिक्स और ज्यादा किलोमीटर करने के लिए ज्यादा वर्कर की जरूरत होगी देखिए ठीक है कहने का मतलब तीस यानी कि टू हंड्रेड एंड टेन एक्स्ट्रा वर्कर क्या हुआ हंड्रेड एंड टेन माइनस हंड्रेड इक्वल्स हंड्रेड एंड टेन होगा बताइए कितना शानदार क्वेश्चन है बताइए कितना शानदार क्वेश्चन है बताइए 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 ठीक है समझ में आया कल फिर एक जबरदस्त सेशन में रोज रात नौ बजे मेरा क्लास रहेगा तैयार रहिए ओके बाय गुड नाइट